अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं फरहान यूसुफ एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हम फिनॉल, अल्कोहल एंड फिनॉल की बात कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 17 जो है वो इस वक्त इन प्रोग्रेस है। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल्स की, तो हमने लास्ट जो है वो लेक्चर देखा, उसमें हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया था। अब इससे ही ऑनवर्ड हम रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की बात करेंगे, और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास काफी दर रिएक्शंस हमारे पास हैं अल्कोहल के जो हमने डिस्कस करने हैं। और अब हम पहले तीन रिएक्शंस की बात करते हैं, फिर फर्दर मैं रिएक्शन राइट करूंगा और आपको चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ में, और कुछ रीजंस हैं जो कि इनके लिए इनके हवाले से पता होना चाहिए, वो हम रीजंस जो है देखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन तमाम रिएक्शंस की, तो बेसिकली तौर पे ये रिएक्शंस हैं क्या, इसमें हो क्या रहा है, यानी सिंपल हम देख सकते हैं कि एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, डिफरेंट तरह के हमारे पास रिएक्शंस हैं, हम किस तरह के ग्रुप को किस तरीके से रिप्लेस कर रहे हैं ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन की, तो इसे हम एसिडिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास एसिडिफिकेशन रिएक्शन कहलाता है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है आप ये रिएक्शन परफॉर्म करवाते हो, और आफ्टर फॉर्मेशन यानी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आप एक एस्टर जो है वो गेट करते हो। ठीक है, अब किस तरीके से ये रिएक्शन हो रहा है, इसमें यानी जो हम टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो कौन सी हमारे पास टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज की इस पर बात हो रही है। और यहाँ पर ये जो हम एसिटिक एसिड यूज कर रहे हैं एज अ सेकंड रिएक्टेंट के तौर पे, ये एसिटिक एसिड यहाँ पर क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल जो है वो बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर इसको लेंगे। फिर इसमें ये जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एच प्लस आयन की सूरत में हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर मैं इसको राइट कर दूं इस तरीके से, ये अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H+ की सूरत में ये रिमूव होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। अब एज अ होल ये जो पूरे के पूरे हमारे पास एनायनिक स्पीशी है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल निकलेगा एज नेगेटिव चार्ज की सूरत में, कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हुए बना देगा एस्टर, और जो यहाँ से H+ रिमूव हुआ था ये H+ इस हाइड्रोक्सिल को लेते हुए वाटर फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, तो हम सिंपल ये बात कह रहे हैं कि ये एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, जिसकी बुनियाद पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है। और हमने जो है इससे पिछले रिएक्शन के अंदर जब एक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की बात की थी, तो उसने कहा था कि जब भी ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटता है तो उस सूरत में हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करता है, अल्कोहल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो CO बॉन्ड ब्रेकेज की एग्जाम्पल में आ जाती है, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल पे अटैक करते हुए एस्टरीफिकेशन प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसी तौर पे ये रिएक्शन भी बेसिकली तौर पे वही CO बॉन्ड ब्रेकेज का ही रिएक्शन है, जिसमें यहाँ पर अमोनिया जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। अब इसमें होता ये है कि चूंकि अमोनिया जो है वो तीन हाइड्रोजन एटम कैरी कर रहा है, तीन हाइड्रोजन एटम कैरी कर रहा है, और हम ये बात जानते हैं कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। जब ये बॉन्ड टूटता है तो इस बॉन्ड के टूटने के बाद नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एज एच प्लस आयन की सूरत में रिमूव होगा। अब हम जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोक्सिल एज ए नेगेटिव चार्ज की सूरत में रिमूव होगा। अब ये हाइड्रोक्सिल इस H+ को लेते हुए वाटर फॉर्मेशन कर देगा, रिमूव कर देगा, और उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि NH2 अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करते हुए बना देगा एक अमाइन। ठीक है, ये अमाइन फॉर्मेशन हमारे पास हुई है, इथाइल अमाइन इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई है, इसमें के सिंपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को NH2 ग्रुप ने रिप्लेस किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास ये जो रिएक्शन मैंने किया हुआ, इसमें हमारे पास जो लास्ट रिएक्शन है वो किस तरीके से रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, अगर हम बात करते हैं SOCl2 की, तो SOCl2 का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, SOCl का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ इसके Cl लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली तौर पर इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटना बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये भी जो रिएक्शन है ये एग्जांपल है किस चीज की, एग्जांपल है CO बॉन्ड ब्रेकेज की, इसमें के आपका ये जो SOCl2 है इसमें यहां से क्लोराइड आयन रिमूव होगा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और वो अटैक करेगा इस कार्बन एटम के ऊपर। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटता है तो इसके बाद क्या होता है कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। अब ये जो हाइड्रोक्सिल है इसमें भी ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, अगर आप इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर दोगे तो उसके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजन माइनस टू चार्ज कैरी करेगा, हाइड्रोजन एच प्लस आयन रिमूव होगा, ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं, और इसके टूटने के बाद ऑक्सीजन सल्फर जो है वो प्लस टू चार्ज और दो क्लोराइड रिमूव होते हैं,
इनमें से एक क्लोराइड इस H+ को लेते हुए HCl फॉर्मेशन कर देगा, सेकंड क्लोराइड जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करते हुए इसे क्लोरोइथेन में कन्वर्ट कर देगा, और जो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ है वो ऑक्सीजन इस सल्फर को लेते हुए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बात देख रहे हैं कि किस तरीके से हम रिएक्टेंट के थ्रू यानी पाउडर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। जस्ट बॉन्ड ब्रेकेज है, ऑलरेडी रिएक्टेंट के अंदर जो बॉन्ड थे वो बॉन्ड ब्रेक होंगे और इसके थ्रू क्या होगा, फाइनल पाउडर की जो है वो फॉर्मेशन होगी। तो ये तमाम के तमाम जो रिएक्शंस मैंने यहाँ कोट किए हैं, आपको मैंने समझाए हैं, ये तमाम के तमाम रिएक्शंस जो हैं एग्जांपल हैं, एग्जांपल किस तरह की कि जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इस बॉन्ड की ब्रेकेज के थ्रू हम फाइनल प्रोडक्ट जो है इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया, इससे ऑनवर्ड चलते हैं फर्दर रिएक्शन की बात करते हैं। फर्दर रिएक्शन हमारे पास कौन से रिएक्शन है अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन कौन से हो सकते हैं, अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन मुमकिन है। अब हम ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन किस तरीके से है और किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। सिंपल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे कि हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाएंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी टेक प्लेस करेगा। ठीक है, और अल्टीमेटली हम इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की तो प्राइमरी अल्कोहल अगर हमारे पास है कोई प्राइमरी अल्कोहल और हम उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करते हैं और ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हम यहाँ K2Cr2O7 यूज कर रहे हैं, तो उसके थ्रू हम देखेंगे कि हमारा जो अल्कोहल है जो कि प्राइमरी अल्कोहल है वो कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, हमेशा क्या होता है कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू आप एल्डिहाइड गेट करते हो, अगर आप फर्दर इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाओगे सिमिलर कंडीशन के तहत तो ये एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आपने प्रोडक्ट गेट किया है जो जिसको हम एल्डिहाइड कह रहे हैं, अगर आप सिमिलर कंडीशन इसे प्रोवाइड करके रखते हो तो यही एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन का बल सेम वही कैटलिस्ट हमारे पास इस्तेमाल होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें क्या होता है कि जब भी आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हो तो हमेशा आप कीटोन गेट करते हो, सेकेंडरी अल्कोहल आपको हमेशा कीटोन जो है वो देगा, आपको प्रोवाइड करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल के थ्रू आप कीटोन गेट करते फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर, आप हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ कीटोन गेट करोगे, प्राइमरी अल्कोहल से आप एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एल्डिहाइड बनेगा फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन जो है से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगी, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा नहीं होता। रशी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल के अंदर अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो इसमें ऑक्सीडेशन उस तरीके से नहीं होती। ठीक है, यानी यहां पर सिंपली क्या होता है कि इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो टेक प्लेस करता है और आपका जो प्रोडक्ट है वो एक अल्कीन आप गेट करते हो, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड आप गेट करते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप एक अल्कीन गेट करोगे बजाय इसके कि आप जो है कोई और एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर कर दे, एक अल्कीन आप गेट करोगे। ठीक है, तो यहां से जो चीज इंपॉर्टेंट आपको मिल रही है वो क्या है कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल हमेशा आपको राइट कर दो, प्राइमरी अल्कोहल के थ्रू हमेशा जो है आप एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड गेट करते हो, और जब आप क्या करते हो सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हो, तो सेकेंडरी अल्कोहल हमेशा जो है अपने आप को कन्वर्ट करता है कीटोन के अंदर, और जब आप टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हो तो टर्शियरी अल्कोहल के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू आप हमेशा अल्कीन गेट करोगे, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड गेट करोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल देख सकते हैं, अगर मैं इसको ऊपर राइट कर दूं ताकि आपके लिए एविडेंट हो सके ये नीचे चला गया, तो अगर मैं यहाँ राइट कर दूं तो आपको समझ आ जाएगा, टर्शियरी अल्कोहल से आप अल्कीन प्रिपेयर करते हो,
तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं. हमेशा प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हमेशा आपको कीटोन देगी, टर्शियरी अल्कोहल हमेशा आपको अल्कीन यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपको प्रोवाइड करेगा. तो ये हमारे पास रिएक्शन है रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट के तौर पे फॉर द एसिडिफिकेशन प्रोसेस. और अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड करते हो अल्कोहल को तो ये एक्चुअली तौर पे एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ठीक है, तो इस सूरत में फिर हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं अगर हम इनको डिफरेंट जो है रिएक्शन कंडीशन यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. तो अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एथानॉल है और मैं उसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है देता हूं यानी उसकी मौजूदगी में रखता हूं और टेम्परेचर मेरे पास ऑलमोस्ट 180 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा कि मैं एक अल्कीन गेट करूंगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा और मैं अल्कीन गेट करूंगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा. अगर मैं ये कंडीशन चेंज कर देता हूं, मेरे पास अगर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल ग्रेटर है और मैं वही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही अगर ले रहा हूं, लेकिन अब मैं टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूं. ठीक है, तो इस सूरत में फिर मेरे पास क्या होगा कि इसके थ्रू मैं एक ईथर गेट करूं. तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन आप टेम्परेचर 180 दे रहे हो तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस सिंपली होगा, आप अल्कीन गेट करेंगे. और अगर आप टेम्परेचर लोअर दे रहे हो और कंसंट्रेशन जो है वो अल्कोहल की ग्रेटर है तो इस सूरत में क्या होगा कि इस सूरत में आप एक ईथर गेट करोगे एज अ फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे. तो जस्ट आप देख सकते हैं कि रिएक्शन कंडीशन के चेंज हो जाने से आपके प्रोडक्ट पे इतना फर्क पड़ रहा है, आपकी प्रोडक्ट की नेचर टोटली चेंज हो गई है. तो उसके बाद एक हमारे पास सेक्शन जो है फर्दर रह चुका है अल्कोहल का और वो रिएक्शन के हवाले से है गिग्नार्ट रीजन के साथ है. हम गिग्नार्ट रीजन के साथ देखेंगे कि अल्कोहल किस तरीके से बिहेव करता है. तो अगर हम बात करते हैं गिग्नार्ट रीजन की तो आप ये ऑलरेडी भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि गिग्नार्ट रीजन होता क्या है. हमने जब प्रिपरेशन मेथड की बात की थी तो उसमें भी हमने गिग्नार्ट रीजन को पढ़ा था. हमने ये डिस्कस किया था कि गिग्नार्ट रीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं ये गिग्नार्ट रीजन ले रहा हूं और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं विद एथेनॉल. तो ये रिएक्शन एक्चुअली तौर पे वो रिएक्शन है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है. यानी आप ये वो रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है और यहां से गिग्नार्ट रीजन के अंदर से जो ये मिथाइल ग्रुप रिमूव होगा वो एज अ सिंपल कह लें कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा. यहाँ पर सॉरी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जो है वो क्या करेगा, बिहेव करेगा. ठीक है, आप ये बात ऑलरेडी देख चुके हैं. हमने जब प्रिपरेशन मेथड में गिग्नार्ट रीजन को इंट्रोड्यूस करवाया था तो हमने कहा था कि मैग्नीशियम सेंटर में एक तरफ कोई अल्काइल ग्रुप दूसरी तरफ हमारे पास कोई हैलोजन होगा. इसका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX. ठीक है, जब भी ये हमारे पास रिएजेंट होगा तो इस सूरत में हम ये करते हैं कि इसको हम गिग्नार्ट रीजन कहते हैं और ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है. क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों बॉन्ड ये बने हुए हाईली पोलर नेचर के होते हैं. मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2 होती है, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.2 होती है. लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की है वो आयोडीन की है, वो है 2.5 और कार्बन की भी 2.5 होती है. तो चूंकि मेजर डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मैग्नीशियम एंड द अदर एटम्स, ठीक है, इसलिए ये दोनों के दोनों बॉन्ड हाईली पोलर नेचर के बॉन्ड होते हैं. अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूं तो इस सूरत में क्या होगा कि कार्बन एटम नेगेटिव और मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा. ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, अब यहां चूंकि हमने बॉन्ड तोड़ना है बिटवीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो यहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि हम जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं तो चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एच पॉजिटिव चार्ज की सूरत में रिमूव होगा. अब ये मिथाइल ग्रुप अटैक नहीं करेगा बल्कि ये जो हमारा ओवरऑल ये जो आप सिंपल कह रहे न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा. हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इस सूरत में हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रोफाइल होता है कि जो रिएक्ट करना चाहता है अल्कोहल के साथ. तो आप ये देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि इस अल्कोहलिक पार्ट के साथ रिएक्ट करना चाह रहा है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और ये जो आपका यानी एथ ऑक्साइड आयन है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के तौर पर बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इस मैग्नीशियम के ऊपर अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट जो आप गेट करेंगे वो क्या होगा, MgCl
और OC2H5 ठीक है। और जो दूसरी चीज बनेगी आपके पास वो क्या होगी, H+ यहां से रिमूव हुआ है, ये CH3 H+ को लेते हुए CH4 की फॉर्मेशन कर देगा, यानी मीथेन की फॉर्मेशन कर देगा। यही रिएक्शन आपने जो है जब आपने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की बात की थी तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर भी यही ऑलमोस्ट रिएक्शन आपने देखा था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अल्कोहल जो है इसको अगर हम क्या करते हैं गिटनॉट रीजन सेलेक्ट करवाते हैं तो यहां से हम एल्केन गेट करते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये तमाम रिएक्शंस जो है वो रेलेवेंट टू द अल्कोहल थे और ये तमाम के तमाम रिएक्शंस जो है जस्ट रिकमेंडेड रिएक्शंस हैं जो कि आपको समझने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, इनकी रिएक्शन कंडीशन का आपको अंदाजा होना चाहिए। और इससे ऑनवर्ड हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर में चलेंगे कि जिसमें हम फिनॉल की डिस्कशन करेंगे, फिनॉल को डिस्क्राइब करेंगे। यहां तक हमारा अल्कोहलिक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। अगर किसी तरह से भी क्वेश्चन आपका बनता है केमिस्ट्री के हवाले से, चाहे वो पार्ट वन की हो या पार्ट टू की केमिस्ट्री हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।